हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो दोस्तों, ये मेटा मास्क है और ये ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उसने पूछा है कि मतलब हमने जो आइस के क्वाइन थे वो मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे उसको मिले गए, तो उसने किस तरह मतलब OKX का जो एक्सचेंज है उस पर किस तरह भेजने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उसके बारे में, अभी मैं उसका आपको इसका जो तरीकाकार है वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने OKX पे जाना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो OKX पे जाए, ठीक है, OKX पे जाए आप। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, ये मेरे आइस है, मुझे एक्सचेंज पे आए है, ठीक है। ये आइस क्वाइन जो है OKX का जो एक्सचेंज है मुझे उधर मिले, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये मैंने भेजे गए अभी, ठीक है। तो ये मेरा मतलब मेन पेज है एक्सचेंज, ये ऊपर आप देख ले, ये मेरा एक्सचेंज है, ये वॉलेट है, ठीक है। तो मेरा एक्सचेंज पर है, तो आपने या तो डायरेक्ट आप ये डिपॉजिट जो लिखा है यहाँ पे, ये इस पर क्लिक करें, ठीक है, या यहाँ ये एसेट्स पे आ जाए, ठीक है, एसेट्स पे आ जाए इस तरह। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट जो लिखा गया है ये, इस पर क्लिक करें, सही है। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट क्रिप्टो, ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है, सही है। तो ये ऊपर सर्च पे आप जाए, सर्च में आप ICE सर्च करें, ये मेरा आया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करें तो ये ICBSC नीचे जो लिखा है, ठीक है, इस पर क्लिक करें, ये नीचे, सही है। इस पर क्लिक करें तो ये आइस का जो मतलब एड्रेस है वो आपको आया है यहाँ पे, सही है, ये आप देख ले, ये ICBSC, ये एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी करें, सही है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें, ये मैंने कॉपी किया है, ठीक है। तो आपने अभी वापस जाना है, ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है, मैं दोनों का बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे, ये ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है, ये ट्रस्ट वॉलेट पे मैं गया। अच्छा, तो ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ पे आप देख ले, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका तरीकाकार बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास BNB भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेरे सिर्फ शेप पड़े हुए 1.45 डॉलर के, ऊपर आप देख ले, ठीक है। तो इस तरह आपका जो आइस क्वाइन होगा वो इस तरह, ये जो नीचे है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह आपके आइस यहाँ पे लिखे इस तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने आइस पे क्लिक करना है यहाँ से, इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आइस पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये आइस का अभी जो रेट है चल रहा है ये आप देख ले, 0.0047, सही है। तो आपने यहाँ पे ये, अच्छा, तो आपने यहाँ पे ये सेंड का जो ऑप्शन है, सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस वहाँ से आपने कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जितने आइस है, मेरे पास तो 0 है, आप देख ले, 0 है। तो आपने सब भेजने, अगर सब भेजने मिक्स पे क्लिक करें, अगर मतलब आपके पास जितने भेजने मतलब 500 आपने भेजने, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट लिख दें, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ 500। तो ये देखें नीचे मुझे आ रहा है नॉट इन आउट बैलेंस है, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अगर आपने सब भेजने मतलब आप इसको ख़त्म कर ले, 0 करें, ठीक है। ये मिक्स पे आप क्लिक करें, मिक्स, ये ठीक है, सारे आ जाएगी। फिर ये नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे ये भी आप देख ले यहाँ पे। अच्छा, ये अभी देखें यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है उसको देख ले, ठीक है। ये फ्राम है, फ्राम ट्रस्ट, इसका जो मतलब एड्रेस है ये 2 है, ठीक है, मतलब जहाँ पे जाने है। तो ये नेटवर्क फीस जो है ये आपका लगेगा BNB में, ठीक है, मतलब 0.0, ये देखिए 0.05 USDT, इससे तकरीबन पाकिस्तानी पैसे रुपए तकरीबन कम आते हैं, 50 आएंगे या 60-70 तक आएंगे, ठीक है, या ऐसे भी शायद नहीं, सॉरी, ऐसे भी कम है, 20-30 से ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास BNB होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आप देख लीजिए नीचे आपका ये सब कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ ये अच्छा जो यहाँ पे आप इसको देख ले अच्छी तरह, तो नीचे आपको मतलब ये आपका क्लियर होगा सब कुछ, पीएनबी फीस होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आएगा सेंड का, ठीक ये इधर पे सेंड का आएगा। अभी तो ये मुझे कह रहा है यू डोंट हैव अनाउड बीएनबी स्मार्ट चेंज बीएनबी टू कवर नेटवर्क फी, क्योंकि मेरे पास होना ये इस तरह आपका ये भी होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। आपने सेंड पे क्लिक करना है, उधर चले जाएगी, ठीक है। चाहे इसके बाद जो है मेटामास्क पे, तो मेटामास्क का जो है मतलब मेटामास्क पे आप आए, ये मेटामास्क है मेरा, इसको आप ऑन करें, ठीक है ये अभी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह मेरा ये आइस जो लिखा है नीचे आपका आइस इसी तरह लिखा होगा आइस, ठीक है। ये इधर आपका मतलब उसका रेट यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे आपका जो टोटल है वो शो हो गए, ठीक है। तो इस तरह आपको आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। एड्रेस वही सेम, वो ही सेम एड्रेस आपने कॉपी करना है, मतलब आपने किसी से भी भेजने ट्रस्ट वॉलेट से भेजने ओके एक्स वॉलेट से भेजने या मतलब ओके एक्स का जो वॉलेट है उधर से भी भेजने जो भी है, लेकिन बीएनबी में आपके पास बीएनबी होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए मेरा बीएनबी इधर भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे इस तरह आइस आपका शो होगा, आइस पे क्लिक करना है सही। तो यहाँ पे आप नीचे करें ये सेंड जो है सेंड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। सेंड पे मैंने किया, ऊपर आप देखिए मेरा वही बीएनबी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो एड्रेस है, ठीक है, मतलब उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मुझे फिर यही कह रहा है कि यू हैव ज़ीरो बीएनबी इन अकाउंट टू पे फॉर ट्रांजैक्शन फी, यही आएगा, ठीक है। तो आपके पास होगी तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ये नेक्स्ट के नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे आपने अपना अमाउंट इंटर करना है आई सी, ये ऊपर देखे आई सी का आया, ठीक है, ये देखे आई सी मिक्स यूज़ मिक्स पे आप क्लिक करें, मतलब आपने सारे भेजने 1000 2000 20000 जितने भी है इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये ज़ीरो मतलब ये आया, इस तरह आपके पास आ जाएंगे सारे। ये आपने इसमें लिखने मतलब कि मैंने 1000 भेजने आप लिख ले, फिर ये नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है बटन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे ये एड्रेस आप देखें ऊपर देखें अकाउंट 1 बैलेंस 0 आई सी, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाएगा, और नीचे ये सेंड का जो ऑप्शन है ये वाला सेंड पे आप क्लिक करें तो आपके उधर चले जाएंगे। मैंने सेंड पे किया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं तो मैं वैसे देख रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख ले इस तरह आप कर सकते हो सही। तो बीएनबी को किस तरह भेजने इस पर वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने अगर ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे दोनों पे सेम है, ठीक है, आपने बैग जाना है मतलब, तो अच्छा बीएनबी आपने किस तरह भेजने है, ठीक है। बीएनबी का ये कि आपने ऊपर ये जो है ये आपका बीएनबी है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे ये एड्रेस जो है इसको आप कॉपी करें यहाँ पे सही है, इसको आप कॉपी करें तो वापस आप बाइनांस हो ओके एक्स को जो भी है मतलब आपका एक्सचेंज हो, ठीक है, उस पे आप आ जाए इस तरह, ठीक है, ये आ जाए। तो इसको आप बैक करें, यहाँ से आप विड्रा पे क्लिक करें या ऊपर जो विड्रा है विड्रा करप्टो पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी तो मेरे पास ये है जो है मेरे पास पड़े है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बीएनबी लिखना है, बीएनबी ये बीएनबी पे क्लिक करना है, अनचेन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेस आपने उधर से कॉपी किया है ऊपर ये फर्स्ट पे, ठीक है, उसको पेस्ट करना है इस तरह। तो यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क जो है ये डायरेक्ट आया है, ये नीचे आप देख ले बीएनबी बीएससी, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जितने बीएनबी भेजने मिक्स पे क्लिक करें,
और फंडिंग अकाउंट में जो आपके पास पड़े हो मतलब वो तो यहाँ पे आ जाएगा, फंडिंग में, ट्रेडिंग में, किधर जहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे देने, तो यहाँ ये सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आप बेच सकते हो BNB को उधर, और जो है मतलब उधर से आपने ICU को इस पे इस तरह बेचने है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास मतलब वापस आए, आप मास्क पे आए या ट्रस्ट वॉलेट पे, जो भी है यहाँ पे आए, ये मेरे पास जो शेप पड़े थे, ठीक है, शेप का आप अगर आपके पास शेप हो मतलब, तो मेरे पास तो अभी शेप पड़े, ठीक है। तो आपने ये स्वीप का जो बटन है, अगर आपके पास मतलब शेप पड़ा हो या कोई और इस तरह कोई क्वाइन पड़ा हो जो आपके पास हो, तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ पे BNB में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे जो स्वीप का बटन है, ये ऑप्शन स्वीप पे क्लिक करें, तो आप यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मतलब कोई भी कॉइन हो, सबसे पहले आपका जो ये ऊपर है ये, ठीक है, ये जो यहाँ पे मेरे जो शेप है आप देख लें, ये होम पे आप आए, होम पे, ठीक है, मेरे जो शेप पड़े वो BNB स्मार्ट चेन में पड़े, ये देख लें आप, ठीक है, ये मैंने जिस ये देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वीप पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ये नेटवर्क देखे BNB, अगर इथेरियम में तो आपने इथेरियम को सेलेक्ट करना है, मेरे पास BNB में, ठीक है। BNB को आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप ये देख ले, ठीक है, इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास मतलब जो भी कॉइन हो BNB हो या नहीं सॉरी BNB में तो आपने स्वीप करने, ठीक है, और कोई भी कॉइन है आपके पास, ये देखें आप ETH, XRP, ये मतलब जो कॉइन ADA, ये जितने भी है TWT, USDT जो भी है, ठीक है। तो मेरे पास शेब है, ये आप ऊपर देख ले मेरे शेब, ये देखें, ठीक है, शेब है, शेब पे आप क्लिक करें, और नीचे जो है ये नीचे आपने BNB पे क्लिक करना है, ठीक है, नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने BNB में अभी ये देखे BNB है, ठीक है, डायरेक्ट आया, मुझे BNB में ही स्वीप करने है, ठीक है। तो ये ऊपर आप मैक्स पे क्लिक करें, ये देखे मैक्स, अभी यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा BNB का, मतलब मेरे पास ये देखे अभी ये 1.44 जो डॉलर है वो BNB में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कंटिन्यू पे आप क्लिक करें तो आपके हो जाएगी इस तरह, सही है।